दोस्तों, राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस की शानदार जीत के बाद अब आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में बहुत ही उलटफेर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या है आईपीएल 2024 का पॉइंट टेबल गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल की शानदार जीत के बाद। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आईपीएल 2024 के सीजन 17 का पहला मुकाबला 22 मार्च 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम के बीच में खेला गया था, जहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम ने जीत हासिल की। और दोस्तों, इसी तरीके से आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में चेन्नई सुपर किंग अपना पहले नंबर पर जगह बनाई हुई थी +2 पॉइंट के साथ और 200 प्लस नेट रन रेट पॉइंट के साथ। मगर दोस्तों, फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस की शानदार जीत के बाद पॉइंट टेबल में काफी ज्यादा उलटफेर हो चुका है। जी हां दोस्तों, और अब फाइनल पॉइंट टेबल कुछ इस तरीके से हो चुकी है। नंबर वन पर राजस्थान रॉयल +2 पॉइंट के साथ और 1000 प्लस नेट रन रेट पॉइंट के साथ नंबर वन पर अपना जगह बनाई हुई है। वहीं दोस्तों, नंबर दो पर चेन्नई सुपर किंग अपना जगह बनाई हुई है +700 नेट रन रेट पॉइंट के साथ। इससे पहले दोस्तों, पंजाब किंग्स अपने तीसरे नंबर पर जगह बनाई हुई है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल को हराने के बाद पंजाब किंग्स अब अपने तीसरे नंबर पर पॉइंट टेबल में जगह बनाई हुई है। तो वहीं दोस्तों, नंबर चार पर गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस को हरा करके पॉइंट टेबल में +2 पॉइंट के साथ ही अपना जगह बनाई हुई है। वहीं दोस्तों, नंबर पांच पर केकेआर सनराइज हैदराबाद को हरा करके पहुंची हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार के आईपीएल 2024 का ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करवा पाएगी? आप अपनी कीमती राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।